मोर्चे पर विफल सरकार, जनता का ध्यान बढ़ाने के लिए किया कैबिनेट विस्तार। अखिलेश लखनऊ समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। वह हर मोर्चे पर असफल होती अपनी नाकामी से ध्यान हटाने के लिए एक तरफ अधिकारियों का स्थानांतरण करके अपनी जिम्मेदारी से पाले झाड़ लेना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट का विस्तार करके जनता का ध्यान बटाना चाहती है। यादव ने दावा किया कि भाजपा की गुमराह करने वाली राजनीति से जनता त्रस्त है। यादव ने यहां जारी एक बयान में कहा, भाजपा की राज्य सरकार बने तो 2.5 वर्ष हो गए, अब जाकर मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व को पता चला कि उनके साथ अक्रमणीय नॉन परफॉर्मर प्रदर्शन नहीं करने वाले मंत्री भी हैं जिनसे इस्तीफा लिया गया। इस बीच कितनी ही समस्याएं बढ़ गईं, बेकारी महंगाई की मार से नौजवान किसान गरीब सभी परेशान हैं, महिलाओं और बच्चियों के साथ रावजी दुष्कर्म हो रहे हैं, हत्या लूट से हाहाकार मचा है, कानून व्यवस्था मजाक बनकर रह गई है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी सरकार के समय प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा था, भाजपा ने प्रदेश की छवि खराब करके उसे हत्या प्रदेश बना दिया, दुनिया भर में बदनामी करा दी, विकास अवरुद्ध है, भाजपा के तौर तरीकों ने लोकतंत्र में व्यवस्था को बीमार कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज में लोगों का धंधा कारोबार चौपट हो गया है और उस पर बिजली पेट्रोल डीजल के बड़े दामों ने महंगाई से उत्तर प्रदेश की जनता की कमर तोड़ दी है। चुनाव जीतने के बाद मतलबी सरकार अपनी मनमानी से जनता से अधिक कर वसूल लेना चाहती है, ऐसे हालात में जनता खुद को प्रताड़ित महसूस